हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं ड्राइंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ एंड आज का ड्राइंग का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। एंड यहाँ पर मैं ब्रास्टो का ड्राइंग पेपर यूज़ करूँगा। ये पेपर मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और यहाँ पर मीडियम सरफेस आप देख पा रहे हैं, तो ये स्पेशली पेंसिल स्केच के लिए है। एंड यहाँ पर 20% फ्री, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 24 पेजेस आपको देखने को मिलेगा। एंड ये अराउंड मेरे को 400 समथिंग प्राइस पड़ा था। एंड आज मैं ये पेपर को यूज़ करके एक ड्राइंग बनाऊंगा इस पेपर के ऊपर, एंड कैसा होता है रिजल्ट आपको एंड में पता चलेगा। तो आज है पार्ट वन, आज मैं आउटलाइन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये पेपर आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे स्ट्रक्चर जो है मीडियम सर्फेस वाला पेपर ही मैं यूज़ करता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अभी चलिए ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रेफरेंस पिक्चर, और ये रेफरेंस पिक्चर मैं क्यों चूज़ किया हूँ, बिकॉज़ जो ये पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर टाइप का है एंड करने में बहुत मज़ा आएगा। एंड जो स्किन का टेक्स्चर आप देख पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वाटर ड्रॉप आपको नज़र आ रहा होगा, और ये चीज़ मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और ऐसा स्किन में पहले कभी नहीं ट्राई किया हूँ। एंड थोड़ा थोड़ा जो हेयर का पोर्शन है आप देख पा रहे हैं, बहुत ही टाफ टाइप का है एंड वाटर से भीगा हुआ है इसीलिए, एंड करने में बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले ग्रिड मेथड का यूज़ करूँगा ये ड्राइंग को करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रिड ड्राइंग को ओपन कर लिया, जो कि मैं ऐप यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर A4 मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो A3 भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग को सिलेक्ट कर रहता हूँ एंड पोर्ट्रेट ये रहा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैं क्रॉप कर लेता हूँ, क्रॉप करके आपको क्रॉप करने से क्या होगा, यहाँ पर ग्रिड क्रिएट हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर 20 mm करके मैं हर एक बॉक्स ग्रिड का जो होता है 20 mm मतलब 2 cm करके ले लिया हूँ, और 2 cm करके बेस्ट रहता है। एंड आप 1 cm करके भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत दिक्कतें आ जाएगा, इसीलिए मैं 2 cm ही प्रेफर करूँगा आपको। एंड यहाँ पर मैं सकुरा का 0.5 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं एक स्केल ले लिया हूँ और स्केल को लेकर मैं मार्क कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं 2 cm छोड़ छोड़ के मार्क करूँगा, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके आपको जाना है। जितना बड़ा आपको पेपर होगा उसके हिसाब से आप मार्क कर लेना। मैं यहाँ पर A4 पेपर की यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है। एंड ऊपर की ओर मैं पॉइंट कर लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे करके आपको जाना है। एंड दोनों साइड पॉइंट करने के बाद स्केल से उसको मार्क कर लेता हूँ एंड थोड़ा लाइन कर लेता हूँ, दोनों पॉइंट को आपस में मिला देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप भी इसी तरीके से करना एंड आप भी कर सकते हैं मेरी तरह। एंड दोनों साइड लाइन खींचने के बाद आपको जो करना है दूसरे साइड में सेम चीज़ करना होगा। यहाँ पर एक साइड कंप्लीट हो गया है एंड दूसरे साइड में सेम चीज़ आपको करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके कैसा मैं कर रहा हूँ, थोड़ा पॉज करके आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। पॉज किया, फिर देख लिया, फिर कर लिया, फिर देख लिया, ऐसे करके आप कर सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत मैं वीडियो फर्स्ट किया हूँ, बिकॉज बहुत ही लंबा हो जाएगा, ऐसे ही वीडियो बहुत ही लंबा होता है और लंबा होने से ऑडियंस ज़्यादा देर तक नहीं देखता, इसलिए थोड़ा 10 मिनट्स का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाता। एंड यहाँ पर स्केल से जो रेफरेंस पिक्चर है उसको जो ग्रिड है वो मैं 2 cm एक बॉक्स मेजरमेंट कर लेता हूँ, एक बॉक्स का 2 cm होता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं कर लिया 2 cm, हर एक बॉक्स 2 cm हो जाएगा एक बॉक्स करने से, तो इससे आसानी होगी, रेफरेंस पिक्चर को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे एंड आपका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके आपको चूज़ कर लेना है कौन से बॉक्स पर कौन सा लाइन स्टार्ट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर मार्क कर लिया हूँ, एंड इसी तरीके से आपको
काउंट करके देखना होगा कौन से बॉक्स पर कौन सा लाइन स्टार्ट हुआ है। एक लाइन स्टार्ट होने से आपको पूरा पिक्चर हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड इसी तरीके से आपको अच्छे से ऑब्जर्व करके रिमर्स पिक्चर को, हर एक लाइन को ऑब्जर्व करके आपको करना होगा। एंड तो अच्छे से आप देख कर रेफरेंस पिक्चर को, लाइन को अच्छे से बनाना, ताकि आपका जो आउटलाइन है बहुत ही अच्छा दिखे। एंड आज है पार्ट वन, आज पार्ट वन में मैं आउटलाइन करके दिखाऊंगा, एंड पार्ट टू में स्केचिंग का ट्यूटोरियल मैं डालूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। फेस का पोर्शन कभी डाल दिया, फिर हेयर का, फिर बॉडी का, ऐसे करके मैं बैकग्राउंड का भी डालूंगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिले, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड म्यूज़िक प्ले कर देता हूं, ताकि आपका ड्राइंग पर इंटरेस्ट आए। तो चलिए मिलते हैं ड्राइंग के बाद। फाइनली आउटलाइन कंप्लीट होने ही वाला है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं अच्छी तरीके से रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करके लाइन को क्रिएट किया हूँ, और रेफरेंस पिक्चर को देखकर आप भी कर सकते हैं मेरी तरह अच्छी तरीके से। एंड यहाँ पर फाइनली आउटलाइन कंप्लीट हो गया है, एंड आज का ये पार्ट वन था, एंड पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर ऐसे करके आएगा। तो प्लीज़ जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर देना, और ये वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर करना। एंड ये वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट टू में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।